Badshahi Bungalow, the Royal Palace of Talpurs, Latifabad Unit 4, Hyderabad mein waqia hai. Ye mehlnuma bungalow kafi razib mein phaila hua hai. Iske atraf mein Mir sahiban ke aamon ke baghat aur kuch ajnaas ki faslein is mahal ki khoobsurti ko char chaand laga dete hain. ये सारी उसमें रिलेटेड चीजें, ये सारी ओरिजिनल चीजें वही है ना जो वो यूज करते हैं. कल वहां से जल्दी निकल आए मगर उधर फोन का भी अलमारी पर है और अभी तक ताजा है. ये हाथ का बना हुआ फर्नीचर उस वक्त की याद ताज़ा कर देती है. ये खूबसूरत सजावट के सामान किसी नवादा से कम नहीं. बंगलो की छत को खूबसूरत फानूस से सजाया गया है जो उस वक्त इस शहर से दूर दराज लोगों को अपनी तरफ मुतवजा करते थे. जनाब ये टालपुर पैलेस मैं इसको कहता हूँ. ये तो हवेली टालपुर महल. ये जो मीर हसान टालपुर हमारे दोस्त हैं हिजाइनस प्रिंस मीर हसान टालपुर, ये रूलिंग फैमिली जो थी सिंध में मीरों की, ये उनसे ताल्लुक़ रखते हैं. बंगले के अहाते को मर्दों की बैठक के लिए मखसूस कर दिया गया था जिसको रोशनी के लिए खूबसूरत फानूस से सजाया गया है. कमरों में हवा का खास इंतजाम किया गया था. मेहमानों के लिए खुसूसी तौर पे आला किस्म के फर्नीचर मौजूद हैं. मीर साहबान के खाने के बर्तनों को अभी तक असली हाल में महफूज रखा है. शतरंज उस वक्त भी महबूब खेल रहा हुआ करता था. मुख्तलिफ अकसाम के फानूस उस वक्त की महफिलों को रोशन रखते थे और जाम हमेशा से महफिलों की जान रहे हैं. उन्होंने लिखा ये देख लो सर चार्ल्स नेपियर ने अपने उसकी वालदा को लिखा कि अगर ये एंडस नहीं होता तो पागल बलोची मेरे को मार चुका था, क्योंकि वो उसको चार्ज करता हुआ था सारी उसकी डिफेंस लाइनों को निकलता हुआ और उसके करीब ही आ गया था चैनल. इन्होंने बड़ी फाइट दी थी. हाँ फाइट अच्छी दी थी यहाँ पे. ये फन पारा हाथी दांत से बनाया गया है. ये बादशाही सवारी इस वक्त अपने बीते कल का प्रोटोकॉल याद करती होगी. शायद ये जगह महाफिज या खादिम के लिए मखसूस होगी. ये शाही पालकी और इसकी सवारी उस दौर में शहजादियों की खुशबुओं से महकती होगी. ऊपर की मंजिल को हवादार बनाने के लिए खिड़कियां और दरवाजे का बेताशा इस्तेमाल किया गया है. बादशाहों के शौक भी बादशाहों वाले होते हैं और शिकार हमेशा से इनका महबूब खेल रहा है. बिंगो यानी झूला सिंध की सकाफत में हमेशा अहम बैठक रही है और आज भी हाला इस काम में मशहूर है.
خواتین کے ہر سنگار اور ملبوسات کے لیے خصوصی طور پہ فرنیچر شاید اس وقت بھی سندھ کی ثقافت کا اہم جز رہا تھا۔ موجودات کی خوبصورت تصویریں ابھی تک ان کی شان بتاتی ہیں۔ بنگلہ قائم پاکستان کے بعد بھی اہم سوشل اور پولیٹیکل شخصیات کی توجہ کا مرکز رہا ہے، اور آج بیتے ہوئے کل کی عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔